तो मेरे साथ आज है याशिन खान साहब, उनके साथ समीर और की पूरी टीम है ओटीपी अकेडमी की। लास्ट ईयर इन्होंने फिल्म विनिंग की थी बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे, इस बार फिल्म इनकी विन हो रही है बेस्ट फिल्म के तौर पे, जिसका नाम बेटी मेरी जान। तो ओटीपी अकेडमी से ये फिल्म बनी है और सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, राइटर ने, डीओपीज ने, तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे देखने के बाद। तो कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के जरिए इस फिल्म को जा रहा है बेस्ट फिल्म का अवार्ड रणवीर गहलोत जी के हाथों। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी टीम को, अपने सभी दर्शकों को। तो मैं चाहता हूँ कि इस अवार्ड के जरिए इनका उत्साह बढ़ाइए कि ये अवार्ड ही इन्हें आगे का मकसद देता है अगली फिल्म करने का। तो याशिन जी, आप क्या दो लाइन बोलेंगे? मैं पहले थैंक्स बोलूंगा अजय भाई को, क्योंकि रेड एसिड फिल्म के थ्रू एक कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इस तरह से आयोजित किया गया, और इसमें और लोग भी, मैं नहीं और भी दूर दूर से लोग मूवीज बनाए और अजर भाई इस तरह के बड़े अवार्ड कराए, और जिससे कि एक राइट डायरेक्शन मिले लोगों को जो शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। फिर अजर भाई के बारे में जितना बोलूं कम है, क्योंकि वो तो अपने आप ही एक हीरा है, तो इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा उनके लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में रणवीर गहलोत जी साथ में हैं, जो कि अवार्ड को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्लीज रणवीर जी दो लाइन में बोले सर। हमारे कलाकार है एक बहुत ही उम्दा कलाकार, जो बेटी मेरी जान में और इससे पहले बेटी फिल्म में भी बड़ा अच्छा लीड रोल किया था, फादर करेक्टर किया था। तो सर प्लीज। सर मैं पहली बार आया हूँ और यासीन जी की मदद से आज मैं अपने खड़ा हुआ हूँ, और ये हमारे सब लोग और टीम एक आदमी की अच्छी अलाकार भी है। तो हम तो ये चाहते सर आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद मिलता रहे। और हमारे यासीन जी मतलब काफ़ी सहयोग करते हैं, मतलब हर लोग एक्टिंग सिखाते हैं, और उनसे गलतियाँ भी हो जाती तो डांट भी होती है। और आपके बारे में भी यासीन जी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारे मित्र हैं, मैंने चलो मिलेंगे मुंबई तो हमारी। एक शब्द और बोलूँगा मैं अपने स्टूडेंट के लिए, कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो लोग काम कर रहे हैं, और एक छोटा सा अजर भाई को लोगों ने फेसबुक पे ही देखा था आज, मतलब पहले से तो सबका था कि आज हम लाइव मिलेंगे, तो सब लोग लाइव मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है पहली बार। और ये सारे आर्टिस्ट अभी शिवम हुए और फैजान है, जितने भी लोग हैं इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ उस हिसाब से ये काम भी करते हैं और एक्टिंग को भी सीखते हैं, तो मैं भी इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि मुंबई जैसे प्रोजेक्ट में काम करो और अजर भाई के प्रोजेक्ट में तो जरूर करें। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 81।